आजमगढ़ में चाय की दुकान पर मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस कार्यवाही में जुटी। न बकाया धन मांगना आज के दिन में गुनाह हो गया है। पहले तो लोग उधार ले लेते हैं, फिर जब देने की बारी आती है तो पारा हाई हो जाता है। कुछ इसी तरह का घटनाक्रम आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के रैदोपुर इलाके में हुआ। रैदोपुर स्थित एक मशहूर चाय की दुकान त्रिलोकी पर उधार मांगने को लेकर बवाल हो गया। दुकानदार ने एक व्यक्ति से अपना बकाया 7,000 मांगा तो वाद विवाद होने लगा। इसी क्रम में उपरोक्त व्यक्ति व उसके साथियों ने दुकानदार से मारपीट कर दी। सर, शहर कोतवाली क्षेत्र का एक मारपिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक सेक्रेटरी द्वारा एक दुकानदार को पैसे मांगने पर पीटा जा रहा है। क्या है पूरा मामला और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दुकानदार के साथ मारपीट कुछ लोग कर रहे हैं। इसकी जांच इंस्पेक्टर कोतवाली को सौंपी गई। अभी तक ये संज्ञान में आया है कि कुछ लोग उधार की चाय दुकानदार से पीते थे चाय की दुकान पर, और इसके बाद जब उसके द्वारा पैसे मांगेंगे तो इनके द्वारा मारपीट करेगी। इन लोगों को पुलिस के द्वारा पहचान की जा रही है, पुलिस के द्वारा ये कौन लोग थे, और पहचान होने के उपरांत शीघ्र इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे।